फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे एमटीआर का रवा इडली के प्रीमिक्स के बारे में। ये आपको मार्केट में इजीली इस तरह के पैकेट में मिल जाएगी। ये 500 ग्राम का पैकेट आता है जो 110 रुपए का है। इससे शायद छोटा पैकेट भी आता है, यानी ये 500 ग्राम का है वो 250 ग्राम का होगा, क्योंकि ढोकला और ढोकला सांभर वगैरह का तो आता है, लेकिन मैंने छोटे वाला पैकेट अभी तक लिया नहीं है, लेकिन आता है। तो इसका जो प्राइस है मैंने आपको बताया 110 रुपया है, और इसकी जो शेल्फ लाइफ है वो मैन्युफैक्चर डेट से एक साल तक है, मतलब 1 ईयर की शेल्फ लाइफ के साथ आता है। और इसके बैक साइड में पूरे स्टेप बाय स्टेप दिया हुआ है कि आप इसे कैसे बना सकते हो। इसमें 25 से 30 इडली जो है बनके तैयार हो जाती है, और पूरा स्टेप बाय स्टेप इसमें बैक साइड में दिया गया है। 12 मिनट में बनके जो है इडली तैयार हो जाती है। और इसमें जो है मस्टर्ड सीड्स है, थोड़ा बहुत काजू है, और उड़द दाल है, चना दाल है, मतलब सारी चीज़ें, और करी पत्ता है, सारी चीज़ें इसमें ऑलरेडी दी हुई है। सिर्फ आपको इसमें दही मिलानी है, और बहुत ही टेस्टी बनके ये तैयार होती है। और इंस्टेंट ब्रेकफास्ट रेसिपी, कई बार होता है कि हमारा मन नहीं करता घर में कुछ बनाने का, कुछ अच्छा खाने का मन करता है, तो आप ट्राई कर सकते हो। आप इस सांभर की चटनी, सॉरी कोकोनट की चटनी, या फिर सांभर के साथ सर्व कर सकते हो। तो चलिए इसे बनाते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक बर्तन ले लिया है, तो इसमें मैं, ये देखिए, इसमें काजू भी है छोटे छोटे पीसेस में, तो ये मैंने कप लिया है यहाँ, मतलब कटोरी भी ले सकते हो। तो मेजरमेंट जो है हम इसी कप से करेंगे, और दही का मेजरमेंट भी इसी कप से करेंगे। तो यहाँ पे मैं 2 कप लूँगी ये एमटीआर का प्रीमिक्स, इडली प्रीमिक्स। पहले हम 2 कप जो है प्रीमिक्स लेंगे, और इसमें 1 कप दही डालेंगे, और दही मैं आधा आधा करके डालूंगी, यानी पहले जैसे 1 कप लेना है तो पहले आधा कप डालूंगी और थोड़ा मिक्स कर लेंगे, और उसके बाद दोबारा जो है हम आधा कप और डालेंगे। अगर आपकी जो दही है, जो दही आप यूज़ कर रहे हो वो थोड़ा गाढ़ा है, तो आप इसमें पानी मिला सकते हो हल्का सा। और एक बात और है, अगर आप जो है दही खट्टा लेते हो, यानी इसमें स्पेशली लिखा है कि आप खट्टे दही का यूज़ करें, क्योंकि खट्टे दही से जो है इडली काफ़ी फ्लफ़ी और अच्छी बनेगी, तो आप जो है खट्टे दही का यूज़ करें। तो इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैं दोबारा अभी आधा कप जो है दही इसमें ऐड करूँगी, और इसे भी इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और उसके बाद इसे 1 मिनट के लिए हम रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। यानी जो इस पैकेट में इंस्ट्रक्शंस दी हुई है मैं उसको फॉलो कर रही हूँ, उसके अकॉर्डिंग जो है ये इडली बना रही हूँ। तो ये देखिए 1 मिनट हो चुका है, तो अभी हमें क्या करना है, इसमें और दही मिलाना है। तो यानी अब हमें जो है इसमें 2 कप दही मिलाना है, तो मैं थोड़ा सा पानी इसमें ऐड कर लूँगी, यानी दही थोड़ा गाढ़ा है तो इसमें पानी ऐड कर लूँगी। आपको इसमें कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, कोई नमक ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, मिर्च ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, मैं यहाँ पर थोड़ा सा हरा धनिया इसमें ऐड करूँगी, वो भी ऑप्शनल है। तो इसे अच्छे से हम फेंट लेंगे, यानी मिला लेंगे, ताकि सूजी अच्छे से दही में घुल मिल जाए और सॉफ्ट हो जाए। थोड़ा सा हरा धनिया डाल रही हूँ, और इसे अभी हमें 2 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देना है। जब तक ये 2 मिनट रेस्ट करता है तब तक हमें जो है पानी मैं बॉईल करने के लिए रख लूँगी, ताकि, क्योंकि हमें स्टीम में इडली पकानी है, तो इसलिए। तो ये है इडली की प्लेट्स। मेरे चैनल पे ऑलरेडी जो है ये जो कढ़ाई में यूज़ कर रही हूँ इडली बनाने के लिए, इसका जो है अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू वीडियो मैंने डाला हुआ है, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूँगी। सबसे पहले हम जो है रिफाइंड ऑयल से इन इडली के सांचों को अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। इससे ये रहता है कि बाद में जब इडली डीमोल्ड करना होता है तो बहुत इजीली जो है डीमोल्ड हो जाती है, क्योंकि चिपकती नहीं है, क्योंकि ऑयल की वजह से चिपकती नहीं है, इजीली निकल जाती है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने दोनों प्लेट्स को अच्छे से ग्रीस कर लिया है, यानी चिकना कर लिया है। तो अभी हमें क्या करना है, बैटर इसमें डालना है, यानी जो ये मिक्सचर तैयार किया है, यानी घोल तैयार किया है, इसमें हम डालेंगे अब।
जो ये इडली के सांचे है इसको अच्छे से फुल हमें जो है भरना नहीं है, क्योंकि इडली जब स्टीम होगी तो वो फूलेगी, तो इसकी वजह से जो है हमें अच्छे से इसको भरना नहीं है पूरी तरह से। हल्का सा थोड़ा सा जो है सांचो में थोड़ा सा कम डालेंगे हम बैटर। तो दोनों प्लेट्स को मैं इसी तरह से भर लूँगी। और एक चीज़ और बता देती हूँ, इन दोनों प्लेट्स में जो है एक प्लेट में 7 इडलीस तैयार होती है, यानी दोनों प्लेट्स में जो है 14 इडलीस तैयार होंगी। और उसके बाद भी जो है बैटर मेरा बच जाएगा तो मैं उसके जो है अप्पे बनाऊंगी। वो मैंने इस वीडियो में शेयर नहीं किया है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है आगे आने वाली वीडियोज़ में ज़रूर शेयर करूंगी। मैंने अप्पे पैन का भी रिव्यू किया है तो आप वीडियो देख सकते हो चैनल पे। तो ये देखिए कढ़ाई में मैंने पानी रखा था उबलने के लिए, स्टीम के लिए, तो उबल चुका है। तो अभी हमें क्या करना है, थोड़ा आराम से जो है इन प्लेट्स को हम इस कढ़ाई में रख देंगे। ये स्पेशली जो कढ़ाई है इडली ढोकला पात्रा मतलब स्टीमिंग के लिए बहुत अच्छी है, बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। आप लोग जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक जो है ज़रूर चेक कीजिएगा, मैं लिंक दूंगी, मैंने वीडियो ऑलरेडी इस पर बनाई है। तो इडली इसको इनमें रखने के बाद दोनों ट्रे को ढक्कन लगा देंगे और इसे कम से कम 12 मिनट के लिए हमें स्टीम होने देना है। तो आप देख सकते हो 12 मिनट हो चुके हैं, इडलीस बहुत ही अच्छे से फूल गई हैं और थोड़े थोड़े क्रैक्स भी आ गए आप देख सकते हो। तो मैं एक नाइफ की हेल्प से थोड़ा सा इसमें इस तरह से डाल के देखूंगी। तो आप देख सकते हो नाइफ बाहर बिल्कुल साफ़ आ रहा है, क्लीन आ रहा है। तो इडलीस हमारी बिल्कुल बन के तैयार हो चुकी है। इसे जो है प्लेट्स को हम बाहर निकाल देंगे और थोड़ा सा ठंडा होने देंगे और उसके बाद इसे डीमोल्ड करेंगे। तो देखिए इडलीस ठंडा हो चुकी है, तो मैं इसे डिमोल्ड कर रही हूँ और बहुत ही सॉफ्ट बनी है, फ्लफी बनी है आप देख सकते हो। तो एक एक करके नीडलीज को मैं प्लेट में रखती जा रही हूँ और अब साइड में देख सकते हो मैंने अप्पे भी बनाए हैं, वो वीडियो मैं कभी आगे शेयर करूँगी जब मैं दोबारा बनाऊँगी। यानी इस बैटर से यानी इस मिक्सचर से प्री मिक्स से आप अप्पे भी बना सकते हो, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। आप इसे कोकोनट चटनी के साथ सर्व करें या फिर सांभर के साथ सर्व करें। तो ये देखिए इडलीज यहाँ पे बिल्कुल तैयार है, आपका जो है इंस्टेंट ब्रेकफास्ट बिल्कुल तैयार है। आप इसे लंच में डिनर में बना सकते हो, खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। ये देखिए मैं आपको यहाँ पे तोड़ के बताती हूँ, बहुत ही सॉफ्ट बनी। यहाँ पे मैंने कोकोनट की चटनी के साथ इसे सर्व कर रही हूँ, आप चाहो तो सॉस या फिर हरी चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हो। ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट है और ये जो सारी चीज़ें इसमें डली हुई है साफ दिख रही है, खाने में बहुत ही मतलब टेस्टी लगती है। तो मैं आपको खा के बता रही हूँ, बहुत ही मतलब यमी बनी है। आप इसे सांभर के साथ जो है डिनर में ज़रूर मतलब बनाएं या फिर ब्रेकफास्ट में बनाएं। और ये है अप्पे, बाहर से बहुत ही करारे कुरकुरे बने और बीच से बहुत ही सॉफ्ट है। मैंने इसमें कुछ चीज़ें ऐड की है, मतलब कुछ वेजिटेबल्स ऐड किए हैं, तो बहुत ही टेस्टी लग रहे हैं खाने में। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो देखिए मैं नज़दीक से थोड़ी सी इडली आपको दिखा देती हूँ, बहुत ही सॉफ्ट एंड फ्लफी बनी है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।